Hello friends, so today my topic of discussion is very interesting and very important also for your board exams. So as you all know, we are discussing our video series for class 10th level. So today my topic of discussion is, we are going to discuss Mendelian concepts. So in this video we will discuss about all the concepts which are given by Gregor John Mendel. As you all know, in my previous video, I told you, Mendel, he was called as the father of genetics. So basically, Mendel has given three laws. Law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. So law of dominance, as the name suggests, naam se hi aapko pata chal raha hai ki dominance. Mera jo isse pehle wala video tha, usme maine aapko genetics ka introductory part diya tha, usme maine aapko dominant allele ke bare mein acche se bataya tha. To jaisa ki naam se pata chal raha hai, law of dominance, iska matlab yahan pe dominant allele express karegi. Aur aapko ek baat aur bhi pata honi chahiye ki dominant allele ke aane ke baad recessive apna effect nahi de pati hai. Jitni bhi dominant alleles hain, agar hum log dominant ki baat karein, तो डोमिनेंट एलील हमेशा एक्सप्रेस करेगी और जो रेसेसिव एलील है उसके फीचर्स को हाइड कर लेगी. मतलब डोमिनेंट एलील हमेशा एक्सप्रेस करेगी, चाहे वो डोमिनेंट के साथ आए चाहे वो रेसेसिव के साथ आए. और अगर रेसेसिव डोमिनेंट के साथ आई तो वो अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाती है, और रेसेसिव रेसेसिव के साथ आएगी तो अपना एक्सप्रेशन दे देगी. जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें, स्मॉल आर स्मॉल आर, तो ये हमेशा, सपोज मैंने आर रेड के लिए लिया और स्मॉल आर हमने व्हाइट के लिए लिया, तो हमारे पास स्मॉल आर का जो जीनोटाइप है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको जीनोटाइप फिनोटाइप बहुत अच्छे से समझाया था, तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप हमारा पीछे वाला जो प्रीवियस वीडियो था वो देख सकते हैं. तो स्मॉल आर आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि ये हमारा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे व्हाइट कलर फिनोटाइप आएगा. ओके, और अगर हम लोग यहाँ डोमिनेंट एलील की बात करें तो कैपिटल आर हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है. ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये होमोजाइगस रेसेसिव है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में, ऑल्दो यहाँ पे रेसेसिव एलील आ रही है, लेकिन रेसेसिव एलील इन द प्रेजेंस ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं होने देती है, और इसका फिनोटाइप वही आएगा जो कैपिटल आर का होगा. इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों का फिनोटाइप कैसा होगा, रेड कलर का होगा. ओके, यहाँ पे हमारा फिनोटाइप रेड होगा, और यहाँ का फिनोटाइप कैसा होगा, व्हाइट होगा. ये तो हो गई कुछ बात लॉ ऑफ डोमिनेंस की. तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस बेसिकली कहता क्या है. वन फॉर्म ऑफ ट्रेट अपीयर्स इन द नेक्स्ट जनरेशन. जो हमारा फर्स्ट फॉर्म है ट्रेट का, वन फॉर्म ऑफ ट्रेट, ट्रेट हमने आपको बताया था अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ करेक्टर. वन फॉर्म ऑफ ट्रेट, जैसे कि सपोज हम लोगों ने लिया पेरेंटल, अगर स्टार्ट करें कैपिटल आर, ये हमारा पेरेंटल क्रॉस है, अगर सपोज मान लेते हैं पेरेंट्स हैं, अगर ये कैपिटल आर सपोज ये मेल है और ये हमने मेल का सिंबल बनाया, और ये फीमेल है स्मॉल आर. अगर हम F1 जनरेशन की बात करें तो F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा, क्योंकि एक एलील यहाँ से आ रही है और दूसरी एलील यहाँ से आ रही है. तो इस लॉ को समझने के लिए थोड़ा सा हमने क्रॉस मुझे बताना पड़ा, ऑल्दो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पार्ट है, हम लोग एक डिटेल डिस्कशन करेंगे एक वीडियो में मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड के बारे में. तो वेन द पेरेंट्स विद द प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है, व्हेन द पेरेंट्स विद द प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, जब पेरेंट्स प्योर का मतलब होमोजाइगस है, प्योर होमोजाइगस ये डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, और ये कैसे हैं, होमोजाइगस रेसेसिव. होमोजाइगस का मतलब बिकॉज दे आर हैविंग सेम एलील्स. तो व्हेन पेरेंट्स विद द प्योर कंट्रास्टिंग करेक्टर्स आर क्रॉस टूगेदर, ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट अपीयर्स इन द नेक्स्ट जनरेशन. तो इन, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया रेड और ये लिख लिया मैंने व्हाइट, इसका ये फिनोटाइप हो गया. कैपिटल आर तो जीनोटाइप है, आप सबको पता है जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है. स्मॉल आर इसका व्हाइट जीनोटाइप हो गया, स्मॉल आर और फिनोटाइप हो गया इसका व्हाइट. ओके, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, व्हेन पेरेंट्स विद द प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस टूगेदर ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट अपीयर्स इन द नेक्स्ट जनरेशन. ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही कलर का ट्रेट आया है, रेड ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जो डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देगा. तो जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विल एग्जिबिट ओनली द डोमिनेंट ट्रेट, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा है कि ये जो, ऑल्दो यहाँ पे हमारे पास होमोजाइगस वेराइटी मिली है, इसी होमोजाइगस को हम लोग हाइब्रिड बोल रहे हैं,
ठीक है, जो भी हमारे होमोजाइगस होते हैं उनको हम लोग प्योर लाइन बोलते हैं. फ्रेंड्स आप ये बिल्कुल याद रखिएगा, प्योर का मतलब हम लोग होमोजाइगस करेक्टर्स को ले रहे हैं. और जब भी हम लोगों ने हाइब्रिड की बात करी तो जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है इसका मतलब हेटरोजाइगस की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा डोमिनेंट ट्रेट को ही एक्सप्रेस करेगी. ओके, तो मुझे लगता है कि आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर हो गया होगा. दूसरे लॉ पे आते हैं हम लोग, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ये बहुत ही अच्छा लॉ है और इसको हम लोग एक पॉइंट नाम और दे सकते हैं, फर्स्ट ट्रू लॉ ऑफ मेंडल. मेंडल का फर्स्ट ट्रू लॉ था ये. क्यों ट्रू लॉ था? आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस तो मैंने पहले बताया है, सब कई बुक्स में आपने पढ़ा भी होगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का फर्स्ट लॉ था. लेकिन हम लोग अगर हायर लेवल पे जाएं तो हम देखेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के बहुत सारे एक्सेप्शंस मिले थे. जिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हमेशा ही फॉलो नहीं होता है. इसका मतलब जब भी हमारे पास हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे तो हमेशा डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. वहां पे कुछ एक मिक्सचर बनेगा, एक हाइब्रिड बनेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे. ऑल्दो ये टॉपिक हमारा क्लास 10th लेवल पे इतना डिटेल में नहीं आता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, बट मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी जिसमें हम लोग जो एक्सटेंशन ऑफ मेंडल्स है या एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल पढ़ लेंगे. तो अभी आपको इतनी बात समझनी है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट इज द फर्स्ट ट्रू लॉ ऑफ मेंडल, तो आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं मिले. अब हम लोग देखते हैं कि ये फर्स्ट जो ट्रू लॉ है मेंडल का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको देखना है कि एलील पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट. सेग्रीगेट का मतलब सेपरेशन, बंटवारा हो जाना, सेपरेट कर देना. तो जब एलील पेयर्स हैं, ये एलील के पेयर्स हैं, कैपिटल आर, ये सेपरेट हो रहे हैं, ये कैपिटल आर अलग, ये कैपिटल आर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जब गैमिटोजेनेसिस हो रही होती है, गैमिटोजेनेसिस का मतलब गैमिट्स का बनना. जब भी गैमिटोजेनेसिस होगी तो जो पेयर ऑफ एलील्स हैं दे वांट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड दे रेंडमली यूनाइट. जैसे कि हम लोग यहाँ पे कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल आर से करा दें, तो ये दोनों एलील सेपरेट हो गई और ये दोनों एलील सेपरेट हो गई एंड दे रेंडमली यूनाइट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. और ये रेंडमली कभी भी किसी से भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, हो सकता है इसका इससे हो जाए, हो सकता है इसका इससे हो जाए. तो ये जो लॉ था ये बेसिकली मोनोहाइब्रिड पे ही बेस्ड था. यहाँ पे हमने एक ही करेक्टर्स लिया हुआ था और करेक्टर का मतलब आपको पता है, एनी इनहेरिटेबल फीचर इज कॉल्ड करेक्टर. ओके, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आपको बस दो ही लाइन याद रखनी है कि एलील सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस एंड रेंडमली यूनाइट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. एंड फर्टिलाइजेशन आई थिंक यू ऑल नो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दैट इज एग एंड स्पर्म टू फॉर्म जायगोट, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. अगले लॉ पे आते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट का मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन. ओके, असॉर्टमेंट का मतलब होता है मिक्सिंग. आप यहाँ पे लिख सकते हैं असॉर्टमेंट मीन्स मिक्सिंग. तो एलील ऑफ वन जीन सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ एन एलील ऑफ अनदर जीन. जो एलील एक जीन की है, सपोज ये जीन है, इनके जो एलील हैं दे सेपरेट इंडिपेंडेंटली. ये इसे पूछेंगे नहीं कि भाई तुम सेपरेट हो गए क्या, ये इंडिपेंडेंट है, ये खुद से सेपरेट हो रही है. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द सेपरेशन प्रोसेस. तो एलील ऑफ वन जीन सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ एन एलील ऑफ अनदर जीन. इनका सेपरेशन जो है डिपेंडेंसी नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग विद ईच अदर. और इसको हम कह सकते हैं कि ये लॉ टोटली डाई हाइब्रिड पे बेस था. इसके लिए हम लोग डाई हाइब्रिड में हम लोग दो करेक्टर्स को लेंगे और दो करेक्टर्स होंगे. हम लोग एक सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस को मेंशन करेंगे, जिसमें हम लोग एक चेकर बोर्ड बनाएंगे और आपको जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बताऊंगी मैं किस तरीके से, इस तरीके से चेकर बोर्ड बनेगा 16 बॉक्सेस का. तो उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी. अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, ये टॉपिक हमारा अभी इनकम्प्लीट है. ओके, डाई हाइब्रिड को हम लोग डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसेस हैं, अगर हम लोग क्रॉस की बात करें तो कभी कभी हम लोग सपोज जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया कि कैपिटल आर स्मॉल आर, ये एफ वन आ गया, ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन आई. ओके, तो हम लोग जब भी एफ वन जनरेशन का क्रॉस, जैट यहाँ पे अगर हम ले लें कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर से कराएंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फिंग. और इंटरक्रॉस, इंटरक्रॉस का मतलब हम उसी F1 का उसी F1 से करा रहे हैं.
अब अगला पॉइंट आता है हमारे पास एक दूसरा क्रॉस है, बहुत ही बेहतरीन क्रॉस है फ्रेंड्स ये, उसको हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस मतलब वापस से F1 का हम किसी से क्रॉस करा रहे हैं, हो सकता है हम होमोजाइगस डोमिनेंट से करा दें, हो सकता है हम होमोजाइगस रिसेसिव से करा दें। सॉरी यहाँ पे मुझे ये रेज करना पड़ेगा होमोजाइगस, हाँ तो हम लोग या तो होमोजाइगस डोमिनेंट से करा दें या फिर होमोजाइगस रिसेसिव से करा दें। तो जब भी F1 मींस हेटरोजाइगस प्रोजेनी का क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेंट से कराएंगे तो हमारा उसको हम लोग बोलेंगे आउट क्रॉस। होमोजाइगस डोमिनेंट से जब भी कराएंगे तो वो आउट क्रॉस कहलाएगा। बैक क्रॉस दो तरीके से हो सकता है, आउट क्रॉस टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस हमेशा हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव से कराते हैं फ्रेंड्स F1 को, और ये क्रॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रॉस कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट क्रॉस एंड आउट क्रॉस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट क्रॉस एंड इंटर क्रॉस। तो इंटर क्रॉस का कंसेप्ट तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इंटर क्रॉस का मतलब आप एक लाइन में याद रखिएगा, सेल्फिंग। तो आज के वीडियो में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड द टाइप्स ऑफ क्रॉस। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा टोटल, हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिटेल में पढ़ेंगे, इनका क्या जीनोटाइप मिल रहा है, क्या फिनोटाइप मिल रहा है, क्या जीनोटिपिक रेशियो है, क्या फिनोटिपिक रेशियो है। डाईहाइब्रिड क्रॉस को हम लोग टोटल डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। ये मेंडेलियन कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपको एक मेजर आपको मार्क्स कवरिंग एरिया है। जेनेटिक्स से 10 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है सेक्शन बी की अगर हम लोग बात करें, जो कि पूरा मेंडल के लॉ पे ही बेस्ड होता है, या तो मोनोहाइब्रिड या तो डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो 5 मार्क्स तो आपके सेक्शन बी में पक्के हो जाते हैं इधर से, अगर आप ये वाला और लास्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो देख लेंगे हमारा। और कुछ क्वेश्चन सेक्शन ए में भी आ जाते हैं, MCQ में, मैचिंग्स में, ट्रू फॉल्स में। तो आपको ये कंसेप्ट भूलने नहीं है, और जेनेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। एक बार अगर आपने इसको समझ लिया तो फ्रेंड्स कभी ये भूलने वाला टॉपिक नहीं है। ऑल्दो सभी टॉपिक्स रिवीजन मांगते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट एक बार आ गया तो फिर हमेशा रहेगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, उसमें आपको मैं रिप्लाई दूंगी। और आप मुझे ऑनलाइन लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी मैं यूट्यूब पे एक ऑनलाइन वीडियो अपना देने वाली हूँ जिसमें मैं लाइव रहूंगी। उसका टाइम फ्रेंड्स मैं आपको पहले से बता दूंगी, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगी कि मैं कितने बजे से कितने बजे तक लाइव आपको मिलूंगी। तो मुझे लगता है कि वो सेशन हम लोग काफी इंजॉय करेंगे, और मुझे लगता है लॉकडाउन को देखते हुए आप ऑनलाइन क्लासेस को घर बैठ के इंजॉय कर रहे होंगे, और अपना प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज करते हुए अपना रिविजन को कंटिन्यू रखें। और जो भी क्लास 10 न्यू स्टूडेंट्स हैं जो 2021 एग्जाम में अपीयर होंगे, वो भी अपना हार्ड वर्क करते रहें, बिकॉज यू ऑल नो देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको अपना हार्ड वर्क छोटे छोटे स्मॉल एफर्ट्स विल लीड टू बिग रिजल्ट्स। तो आपको छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहने हैं, और जिससे कि आपको एक दिन बहुत बड़ा सा रिजल्ट मिलने वाला है। इसलिए फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी होपलेस ना हो कि लॉकडाउन हो गया, आप कैसे पढ़ाई करेंगे, स्कूल तो बंद हो गए हैं। तो ऑनलाइन सारी क्लासेस आप ज्वाइन करें और ऑनलाइन वीडियोस को एंजॉय करें, और जो भी क्वेरीज हैं आप विदाउट हेजिटेशन हमें कमेंट बॉक्स पर राइट कर सकते हैं, या तो यूट्यूब चैनल से आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी निकाल के मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, मैं आपको उस पर रिप्लाई करूंगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, वी विल मीट वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर।